कैसे हो दोस्तों आप लोग। आज हम दीपिका सॉल्ट चैनल पर मैं आया हूँ और मैं आपकी जो चहेती दीपिका है जो आपको कुकिंग्स के वीडियोस बना के देती है उनका मैं हस्बैंड हूँ। और हमने आज हम जा रहे हैं हमारे प्लॉट की तरफ जो कि हमने अभी भी बनाया है, काम चालू है, रेडी नहीं है अभी। आज उसी प्लॉट की तरफ हम देखने जाते हैं क्योंकि आप सभी को मालूम है घर बनाना बहुत मुश्किल काम होता है और लोग काफ़ी सालों की जो मेहनत का पैसा रहता है वो पैसा इकट्ठा करके ही घर बनता है और उसको हमको देखने जाना पड़ता है बार बार कि घर का काम। क्योंकि हमने आर्किटेक्ट नहीं रखा ना, आर्किटेक्ट हम खुद ही है और आर्किटेक्ट आपको मालूम है आर्किटेक्ट 70-80 हज़ार रुपये ले लेते हैं, उससे अच्छा क्या है बहुत बड़ा घर तो बना ही नहीं रहे हम लोग। और रहना हमको रहना है, हमारे अपने दिमाग से ही बनाना है तो हमने बना लिए बगैर आर्किटेक्ट के। तो आज आपके चैनल दीपिका जो है वो भी ठीक ठाक इनकम यूट्यूब चैनल से कर लेती है और आप लोगों का ठीक नहीं है, बहुत अच्छा कर लेती है। और आप लोगों तुम्हारे चैनल से भी अच्छा चैनल है मेरा। हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरा भी एक चैनल है जिसका नाम है टेक्निकल डिवाइस। अरे मैं क्या बोल रही थी, घर का बताने को बोले। चलिए आज हम जा रहे हैं अपने प्लॉट की तरफ, आपको हमारा घर दिखा देते हैं, जो हमारा गरीब का जो घर है वो दिखा देते हैं और बस आप लोग बताइए फिर डिस्क्रिप्शन में बताना कि घर कैसा लगा आपको, छोटा घर है हमारा। और वहाँ पर ये वहाँ पे हम लोग किचन सब चैनल के लिए दीपिका जी का जो फरमाइश थी कि मेरा जो किचन है वो बहुत अच्छा बनना चाहिए, मैंने कहा ठीक है खास कर मेरे चैनल के लिए। तो खास कर हम ज्यादातर हम लोग किचन पर ही सबसे ज्यादा ध्यान हम दे रहे हैं, जो भी मेरी जो मेहनत की कमाई है वो सब किचन पे ही जाने वाली है। अच्छा मैं देखती ना कितना ध्यान दे रही है, क्योंकि आपको मालूम है यार चैनल चलाना भी एक माता बच्चे वाला काम है, मेहनत बहुत रहती है और आप लोगों का सपोर्ट से ही चैनल चलता है, वरना अगर आप सपोर्ट ना करो तो क्या फिर हमारी क्या मजा ली। तो आप लोग इसी तरह से प्यार मोहब्बत सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए हम आपको सीधा अपने घर के दर्शन कराते हैं, जो घर अभी हमारा बन रहा है। मेरे रंग में रंगने वाली, इसका कॉपीराइट तो नहीं आएगा ना, तो व्हाट्सएप स्टेटस में डाल दिया। नहीं गाना गा रहे थे मैं अपने मुंह से गा रहा हूँ भैया, मैं मुंह से कोई भी गाना मैं गा सकता हूँ। तो गाने को हम कंटिन्यू करेंगे। बोलूं ना क्यों शर्माई हुई सी, आगे मुझे आता नहीं लगता है। अभी दूसरा गाना गाएंगे हम, जो गाना हमको अच्छा से आता है। अच्छा चलिए गाने गाते ही नहीं हम, क्यों गाना, हम सीधा मुद्दे के पॉइंट पे आते हैं। हम लोग जा रहे हैं हमारे प्लॉट में और हफ्ते में हम लोग 4 बार जाते हैं प्लॉट में। उसका कारण ये है कि ये जो लेबर है, जितने भी लेबर है पार्टी या फिर ठेकेदार पार्टी, ये काम ठीक से नहीं करते है, ये सब बात आपको मालूम है। उनको समझाने की बात, उनको समझा, क्योंकि आर्किटेक्ट मैं ही हूँ मैंने अपना घर बनाया, मैं भी हूँ। हाँ तो दोनों प्लस है ना, तेरा मेरा क्या है, क्या है तेरा मेरा, तेरा मेरा क्या है, वो क्या 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 बैंक का पैसा ले लेते, मेरा बराबर है, सब बराबर है, जैसे आया ना मेरा पैसा वैसे गया, सब बराबर। कौन सा तेरा बैंक का पैसा, सब मेरे बैंक का पैसा जा रहा है घर में, मेरे चैनल का पैसा। चैनल में मिलता कितना देर मिलता है, कितना मिलता पता, मैं अपने चैनल में बता नहीं सकती। अच्छा पर ज्यादा मिलता है। हाँ ये बात तो है, इतना मिलता है कि 2 टीचर की कमाई तेरे पास आ जाती है, अगर तू टीचर होती स्कूल में तो 2 टीचर की कमाई तेरे को आराम से मिल जाती थी। ठीक है, और इस काबिल बनाने का सारा श्रेय मुझे मिलना चाहिए, मैंने ही तेरे को ये सब चैनल चालू करके दिया है। ये बात सही है ना, और चलो अरे इतना लाड़ मत दिखाओ हम पागल ही हो जाए। तो दोस्तों सारा श्रेय मैंने ले लिया, क्योंकि मैंने दीपिका जी का चैनल, एक्चुअली में इनका नाम कुछ और था, मैंने नाम भी चेंज कर दिया, ये पुराने जमाने के जो माँ बाप रहते थे ना ओल्ड जमाने, पूरा पोल खोल दोगे क्या। अच्छा ठीक है, नहीं बोलता हूँ, मेरा नाम दीपिका है, दीपिका नाम इनका मैंने रखा हुआ दीपिका नाम, नहीं तो इनके माँ बाप ने तो पुराना नाम दे दिया कैसा पूछा। अच्छा हाँ, वो नाम मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था, मैंने बोला ये सब चीज़ नहीं होना मेरे घर में, ये सब चीज़ नाम हो, नई जिंदगी शुरू करना है तो नई तरीके से शुरू करना चाहिए, पुराना जो है वही छोड़ के आ जाना चाहिए घर की तरफ। माँ बाप हर, मैं सब लड़कियों को ये कहना चाहता हूँ, बाप रे कैसा हाथ हटा दिए थे, मेरा तो स्टंट है, वो एक बार गोलमाल पिक्चर में नहीं ऐसे घुमा देता बाजी वाला ड्राइवर भी डर गया था। गोलमाल गोलमाल
अरे बाप रे, अभी नया पिक्चर आ रहा है गुलमो। चलो हम पहुंच रहे हैं ना। हम यहाँ पे दोस्तों पहुँच गए हम लोग हमारे घर में जो हमारा बन रहा है अभी। और यहाँ पे जो ये है हॉल है ये अभी तक इतना बन गया है। और यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये है किचन, यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ। काफ़ी बड़ा हमने इसको बनवाया है ताकि जो चैनल है उसमें हमें कैमरा लाइट हमें काफ़ी सारी चीज़ें लग जाती है। जब हम एक रेसिपी तैयार करते हैं तो काफ़ी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है जब हम अपने चैनल में हम काम करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है इस किचन को। यहाँ पे आप देखेंगे किनारे की तरफ हमने सोचा कि यहाँ पर हम ईशान कोण भी है, इसलिए यहाँ मंदिर सोचा है हमने छोटा सा बनाने के लिए। और ये जो किचन है यहाँ पे दो खिड़की आप देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभार दिन में अगर कोई रेसिपी बनाना है तो काफ़ी ब्राइट रहेगा, क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी रहती है फिर। और ये पीछे में यहाँ पे है गैलरी, ऊपर के एक रूम अभी बन चुका है। और ये जो ऊपर वाला जो रूम है ये एक बेडरूम है, पर हमने दो बेडरूम सोचा है, अभी एक ही बना है फिलहाल। और यहाँ बीच से हमने रखा है सीढ़ी, यहाँ बन रहा है ये देखिए टावर सीढ़ी का। और फिलहाल दोस्तों पुराने किचन में ही मैं काम कर रही हूँ। और जो चैनल में काम करना होता है तब तो मैं इंडक्शन स्टोव यूज़ करती हूँ हॉल में रख कर, क्योंकि मेरा किचन काफ़ी ज़्यादा पुराना है तो वो तो मैं आपके साथ शेयर कर ही नहीं सकती हूँ। लेकिन जब यहाँ बनाऊँगी मैं अपना किचन तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए कि कब ये बनेगा। और फिर मैं और भी रेसिपीज़ फिर मैं इसमें बना सकती हूँ जो मैं काफ़ी रेसिपीज़ बना नहीं पाती, क्योंकि इंडक्शन स्टोव जो होता है वो काम नहीं करता है। कोई ऐसी चीज़ें होती है जो कोई ऐसी रेसिपी होती है जो जिसमें ये इंडक्शन स्टोव काम बिल्कुल नहीं कर पाता है और बहुत ज़्यादा स्पीड इसकी कम रहती है, तो मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर किया जाए। अब ये कब बनता है ये मुझे लगता है काफ़ी टाइम लगेगा वैसे तो। इस वीडियो में इतना ही है, पसंद आया तो लाइक करिएगा।